अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप प्राइवेट नौकर हैं या सरकारी नौकर हैं, मेरी वीडियो को जरूर आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद आपका दिमाग खोल के रख दे। देखें, या तो जो भी हो, सरकारी नौकर हो या प्राइवेट नौकर हो, नौकर तो नौकर ही होता है, ठीक है। मेरा ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, सॉरी माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। देखें, जो सैलरी होती है ना, कहीं पे भी आप जॉब करते हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, कहीं पे भी मुलाजिम है, चाहे आप 17 स्केल के ऊपर ही क्यों नहीं बैठे हो, ये एक ऑफिसर गजेटेड पोस्ट है, तो आपकी जो सैलरी है उसके साथ आप मुवाजना करें कि आप जितना आप कमा रहे हैं, क्या आपकी जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, क्या वो वाकई आपकी जो इनकम है उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है या नहीं। देखें, जो जनरल इन्फ्लेशन है ना, इस वक्त 15 से 18% के बिटवीन है, एक एस्टिमेटेड ले लेते हैं, ठीक है, चलिए 15% कह लेते हैं कि इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है। मीन्स ये कि हर चीज़ के ऊपर आपको पिछले साल की नस्बत इस साल 15% ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज पिछले साल एक किलो चीनी की कीमत जो है ना वो 100 रुपये थी, फॉर इंस्टेंस, तो इस साल जो वो एक चीनी की कीमत है वो 115 रुपये आपको पे करनी पड़ी, ठीक है। मतलब आपने पिछले साल जितनी भी चीनी कंज्यूम की उसमें आपको अब जो है वो 15 रुपये ऐड करके देने पड़ेंगे। लेकिन आपकी पिछले साल जो सैलरी थी वो सपोज थी 50,000 रुपये, तो इस साल जो है विद 10% इंक्रीज वो हो गई 55,000 रुपये। कितना इजाफा हुआ? 10% इजाफा हुआ। लेकिन आपके जो हाउस होल्ड हैं, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, वो कितने परसेंट बढ़े? वो अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि 15%। तो 15% आपके खर्चे बढ़े और आपकी इनकम कितनी बढ़ी है? 10%। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आप -5% नेगेटिव में हैं, मतलब आपकी इनकम इस वक्त ज़ीरो है, मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो ज़ीरो है। इवन आप 5% क्या हैं, नेगेटिव ग्रोथ में हैं, मतलब आप वहीं पे खड़े हैं जहां से शुरू किया था, इवन के वहां से जो आप जहां पे थे वहां से भी आप नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अब ज़्यादा है और आपकी इनकम की जो ग्रोथ है वो निस्बतन कम है। इसलिए कहते हैं ना कि आप अपनी जो इनकम है ना उसका अगर सही मुवाजना करना चाहते हैं कि आप वाकई आप ग्रो कर रहे हैं या वहीं पे खड़े हुए हैं या पीछे जा रहे हैं, तो उस वक्त जो सोने की कीमत हो ना, आप उसके साथ अपनी जो सैलरी है उसके साथ उसका मुवाजना कर लें। कैसे? अगर 5 साल पहले आपने कहीं नौकरी शुरू की, ठीक है, तो 5 साल पहले जो सोने की जो पर तोला जो है वो कीमत थी वो 40,000 रुपये थी। उस वक्त फ़र्ज करते हैं कि आपकी सैलरी 40,000 रुपये थी जब आपने जॉब स्टार्ट की, इसका मतलब आप हर महीने अगर कुछ भी खर्च ना करें, उस 40,000 रुपये में से आप हर महीने एक तोला सोना खरीद सकते थे। 5 साल बाद, आज की बात करते हैं, एस्टिमेटेड मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, 1,00,000 रुपये हम कहते हैं कि तोला रेट है, और आपकी सैलरी 5 साल बाद अगर उसकी 10% रेशो के साथ ही अगर हम निकालें तो वो तकरीबन बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 75,000 to 76,000। तो आप कितने नेगेटिव हुए? मींस आप इस वक्त अपनी सैलरी से एक तोला भी नहीं खरीद सकते। मतलब ये है कि आप मार्केट रेट से आपकी जो इनकम है वो नीचे आ रही है, आपकी इनकम कम हो रही है, आपके खर्चे वहीं पे हैं। ये नहीं है कि आपने खर्चे बढ़ा दिए, खर्चे वहीं पे हैं, जो भी कंजम्पशन थी आपकी वहीं की वहीं है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें कितना इंक्रीज हो गया, आज से 5 साल पहले बिल कितना आता था, यूनिट प्राइस क्या थी और आज यूनिट प्राइस क्या है। पेट्रोल की जो एवरेज प्राइस देखी जाती है हर चीज़ की, कि वो 5 साल पहले क्या थी अब क्या है, आपकी इनकम कैसे बढ़ रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौकर, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ज़िंदगी की तरह गुजारना है जो हमेशा नेगेटिव
और दफ्तरों में जाके आपने जलील होना है उनसे, मतलब आपने यूं गुस्से वाला और एक इरिटेट बिहेवियर आपने फेस करना है। आपके ईमेल्स के थ्रू आपकी ये छतरोल हो रही होती है, फोन्स के ऊपर जो आपकी छतरोल हो रही होती है, और इसी तरह आपकी जो आपके ऊपर आपको बिलीव ना होते हुए वो आप नौकरी छोड़ने के लिए क्या होते हैं, राजी नहीं होते। आप कहते हैं कि नहीं यार रोटी तो पक रही है, लेकिन यही आपके ऊपर आपकी जात के ऊपर आपका बिलीव ना होना कि आप इस, अगर आप किसी के कमा के दे रहे हैं ना तो एक बात याद रखिए कि आप अपने लिए उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं वो 48 आवर्स कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी जात के लिए करते हैं तो वो आप मोर देन 8 आवर्स करते हैं और विद फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ आप उसके ऊपर जो आपकी इंटेंशन होती है या आपका जो फुल फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, क्योंकि जब आप बंदा अपना काम करता है तो वो ज़्यादा उसमें एफिशिएंट होता है। आज भी वक्त है, अगर आप स्टिल गोइंग नेगेटिव तो आज ही छोड़ें, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं। आई नो कि सरकारी मुलाजमत इस वक्त सबका ड्रीम है, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ग्रोथ का अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि अगर आप कहीं पे भी, या सरकारी है या प्राइवेट है, अगर देखें जो ऊपर वाली पोस्ट होती है ना वो बहुत कम ही होती है, ठीक है, उसमें नीचे वाले जो मुलाजमीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी नज़रें ऊपर वाली पोस्ट के ऊपर हैं कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ आप भी ध्यान में रखें कि जो ऊपर वाली पोस्टों के ऊपर बैठे होते हैं उनके सर के ऊपर बाल नहीं होते, दाढ़ियाँ भी बाल भी सफ़ेद होते हैं। मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी उन्होंने जवानी के कई साल उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को दिए होते हैं, कईयों दफ़ा उनकी कुत्ते वाली हुई होती है, और अभी तक भी मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी तक भी रात को कहते हैं कि मैं मेल्स चेक कर रहा होता हूँ, रात को 1 बजे एक दफ़ा मैं मेल चेक कर रहा था सोते हुए ना फ़ोन के ऊपर, तो मेरी मिसेज मुझे कहती है कि किस माँ से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहती है ले जिससे मैं कर रहा हूँ तू भी कर ले। मतलब रात को 1-1 बजे वो इतनी बड़ी पोजीशन के होने के बावजूद भी रात को उनकी ज़िंदगी मतलब सुकून में नहीं है, रात को भी वो क्या कर रहे होते हैं, मेल्स कर रहे होते हैं, जब आंसर कर रहे होते हैं, और वो आंसर मतलब उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी होती है किसी तरह से, किस तरह भेजे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब वही दिमाग की जो स्ट्रेस है ना वो माँ बहन एक की हुई होती है। तो सॉरी टू से ये ऐसे ही थोड़ी सी वर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये रियलिटी है, और आपको जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो आपकी ज़ात के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, और आप जितना जल्दी डिसीजन ले लेंगे कि आपने जॉब करनी है या फिर आपने बिजनेसमैन बनना है और अपने अपना मतलब मालिक बनना है या नौकर बनना है, वो डिसीजन आपके अपने पास है। अगर आपने मेरे एक और भी एक मेरे कुलीग थे, मेरे यूं कह लें कि अपर पोजीशन पे थे एक साहब एक बैंक में, तो वहाँ पे उन्होंने 13-14 ईयर्स अपनी ज़िंदगी के जवानी के 14 साल उन्होंने एक बैंकिंग सेक्टर को देने के बाद जब वो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुँचे तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के सामने जो मैंने चीज़ें देखी हैं, तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के रिज़ाइन दे के 14 साल बाद उन्होंने जाके अपना बिजनेस शुरू किया। आज जब मेरी उनसे बात हुई है तो वो कहते हैं आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद माई बिजनेस, with my own job, with my own venture, I'm highly satisfied. कहते हैं कि I'm earning around 200-300% among the amount which he was taking from the bank, from the organization. जहाँ पे वो दे रहे थे तकरीबन 12 से 11 घंटे 10 घंटे 8 घंटे तो बैंक में होते ही नहीं है। खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अगर सीखना है किसी से तो आप ऐसे ही लोगों से एग्जांपल्स लें जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करके जो जा चुके हैं, जिन्होंने अर्ली डिसीजन लेने की बजाय लेटर डिसीजन लिया, जिसकी वजह से वो आज फील करते हैं कि जो हमारे एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी के ईयर्स थे, जो हमारे जवानी के साल थे, अगर हम वही साल अपनी अपने किसी काम को दे दें तो शायद हमारी किस्मत, हमारी ज़िंदगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा बैंक बैलेंस और हमारा जो सोशल जो हमारा उठना बैठना है वो टोटली डिफरेंट होता, और जो स्पेशली सब उनकी मेंटल हेल्थ है ना
वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि जब आप अपना काम करते हैं तो आप अपने खुद बॉस होते हैं, आप अपने खुद डिसीजन मेकर होते हैं। जब आप किसी के नौकर होते हैं तो तब आपको हुक्म मानना पड़ता है, और अगर आप हुक्म अदूली करते हैं तो तब आपको जलालत का सामना करना पड़ता है। आपको वो जलील करते हैं, आपको रुस्वा करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपकी जो सेल्फ वैल्यू है उसको डैमेज करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ख़त्म हो जाती है। बेहतर है अगर आप इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी और इन अ कॉलेज और यू वांट टू गेट अ जॉब, देन इट्स बेटर टू थिंक फॉर अ बिजनेस, टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बिजनेस आज बहुत सारे हो गए हैं। आज गोरों को आपकी ज़रूरत डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, स्किल सीखें और अपने स्किल्स गोरों को बेचें, यूरोप को बेचें, अमेरिका को बेचें और डॉलर्स कमाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है दुकान खोल के बैठ जाएं, कोई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, बिजनेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। प्रोवाइड योर सर्विसेज, सेल योर सर्विसेज, इंस्टेड ऑफ आप किसी और के हाथ में खेल के, किसी और के हाथ के थ्रू आपको जस्ट थोड़ी सी उसमें से मिनिमल अमाउंट थोड़ी सी मिले, उससे बेहतर है कि आप वो पूरी अमाउंट के ही आप मालिक बन जाएं। इसी के ऊपर ही आप थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्ट करें, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मोर देन आप अगर नौकरी करके जो 5 सालों में कमाएंगे वो आप अपनी ज़िंदगी में पहले साल उतने पैसे कमा लेंगे। आज मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ। जितने आपने, मैंने बहुत सारे पागल स्टूडेंट्स देखे जो कहते हैं कि मुझे फ्री में इंटर्नशिप करा दो, मुझे फ्री में ये करवा दो, कोई बात नहीं, कोई पैसे ना दें। और भाई पागल हो गए हो, कमले हो गए हो, दिमाग काम नहीं करता आप लोगों का? क्यों अपनी फ्री में सर्विसेज देना चाहते हो? अपना काम क्यों नहीं करते? क्यों स्किलफुल नहीं होते? लैपटॉप आपके हाथ में, मोबाइल आपके हाथ में, इंटरनेट आपके हाथ में, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, उसके बावजूद भी आप नौकर बनना चाहते हो? सारा कुछ होने के बावजूद यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप YouTube के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, कैसे आप अपने स्किल्स को, कैसे आप अपने जो एनर्जीज हैं उसको आप यूटिलाइज करते हुए आप कैसे अपना नाम बना सकते हैं, वो सारा प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ, उसके बावजूद आप कहते हो कि आपको कहीं पर फ्री की इंटर्नशिप मिल जाए, तो आप पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा, बेहतर है कि आप अपने आप को प्रॉपरली एक राइट वे में चलाएं, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं और इस मुल्क के लिए काम करें और इस मुल्क को प्रॉस्पर और स्ट्रेंथन करें। फी अमान अल्लाह, थैंक यू सो मच।